अभी देखो आप इसमें मेरी घड़ी के अंदर, लैपटॉप वाली घड़ी में 7:13 बता रहे हैं। आप देखिए कितने मिनट के अंदर रिवीजन हो जाता है कि मेवाड़ प्राचीन नाम मेदपाट प्रागवाट और सिवी जनपद गुहिल वंश 24 शाखाएं। मेवाड़ के गुहिल प्रमुख सूर्यवंशी हिंदू थे। सामोली अभिलेख 646 का जानकारी देता है जो कि शिलादित्य गुहिल के पांचवें वंशज का अभिलेख है। जनतक महत्तर ने जावर माता का मंदिर बनवाया तथा जावर के खनन उद्योग पर प्रकाश डालता है। बापा रावल पहला बड़ा राजा था। हरित ऋषि का शिष्य 734 में मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ पर कब्जा। नागदा राजधानी कैलाशपुरी में एकलिंग जी का मंदिर, खुद को एकलिंग जी का दीवान। 115 ग्रेन का सोने का सिक्का। गजनी तक चला गया, सलीम को हटाकर वहां पे अपने भांजे को राजा बनाया। रावल पिंडी का नाम इसकी वजह से पड़ा था और चार्ल्स मार्टेल के साथ इसकी तुलना सीवी वैद्य द्वारा की गई। काल भोज वास्तविक नाम है। हिंदू सूरज राजगुरु और चकवे उपाधियां हैं। अल्लटिया अलू रावल सारणेश्वर प्रशस्ति के अनुसार आहड़ में दूसरी राजधानी बनाकर प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना कर वराह मंदिर बनवाता है। शक्ति कुमार काठपुर अभिलेख के अनुसार इसकी पूर्ण रानी हरिया देवी ने हर्षपुर का मंदिर बनवाया था। भूताला के युद्ध में जत्तर सिंह ने 1227 में इल्तुतमिश को हरा दिया, जिसकी जानकारी जयसिंह सूरी की हमीर मदमर्दन से मिलती है। इसका शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल था, ऐसा दशरथ शर्मा कहते हैं। लौटते हुए इल्तुतमिश की सेना नागदा लूटती है, अतः आपके चित्तौड़ को नई राजधानी बनाया गया। रतन सिंह का छोटा भाई कुंभकर्ण नेपाल चला गया। राणा शाखा की स्थापना की। रतन सिंह की रानी का नाम पद्मिनी था जो सिंहलद्वीप की राजकुमारी गंधर्व सेन तथा चंपावती की पुत्री थी। राघव चैतन्य ने अलाउद्दीन खिलजी को उसकी सुंदरता के बारे में बताया था। अलाउद्दीन खिलजी 1303 में आक्रमण करता है। पद्मिनी 1600 अन्य महिलाओं के साथ जौहर तथा रतन सिंह गोरा व बादल के साथ कैसरिया करते हैं। ये चित्तौड़ का पहला शाखा था। अलाउद्दीन खिलजी 25 अगस्त 1303 को कब्जा करता है, 30,000 लोग कटवा देता है। अमीर खुसरो की पुस्तक खजानुल फुतूह से ये जानकारी मिलती है। खिजर खान को किला सौंप दिया गया और नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया गया। 1325 के दाहिबी पीर के अभिलेख के अंदर ये जानकारी है। खिजर खान ने गंभीरी नदी पर पुल और मकबरा बनवाया। मकबरे के 1310 के अभिलेख में अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी ईश्वर की छाया और संसार का रक्षक बताया गया है। फिर मुछाड़ा मालदेव या मालदेव सोनग्रह को किला सौंप दिया गया, जिससे बाद में उसका बेटा बनवीर सोनग्रह बना। सिसोदा का हमीर उसे हराकर चित्तौड़ पर कब्जा करता है। यहाँ से सिसोदिया प्रारंभ हुए। राणा टाइटल लगाना शुरू किया, पहले वाले रावल लगाया करते थे। सिगोली के युद्ध में उसने मोहम्मद बिन तुगलक को हरा दिया था, उसे हम मेवाड़ के उद्धारक के नाम से जानते हैं। उसने बरवड़ी या अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया जो कि उनकी इष्ट देवी थी, उनकी कुलदेवी बाण माता थी। उसे हम विषम घाटी पंचानन कुंभलगढ़ प्रशस्ति में रसिक प्रिया में वीर राजा और जम्स टोड द्वारा उसे प्रबल हिंदू कहा जाता है। इसके बाद में हम पढ़ रहे थे कि जो लाखा के टाइम में जावर के अंदर चांदी निकलनी शुरू हो गई थी, लाखा के टाइम में बंजारी ने एक पिछोला झील का निर्माण करवाया जिसके पास में नटने का चबूतरा है। कुंभाहाड़ा नकली बूंदी की रक्षा करते हुए मारा गया था। लखा के अंसाबाई के साथ शादी हुई। लखा के बेटे चुंडा ने कसम खाई कि अगला राजा बना बनके अंसाबाई के बेटे को बनाएगा। चुंडा को मेवाड़ का भीष्म कहते हैं। सलूम्बर का सामंत बनाया गया, वह राजा का राजतिलक करेगा, सेना का सेनापति होगा, हरावल में रहेगा, राजा के साथ सभी डॉक्यूमेंट पे साइन करेगा। राजा नहीं है तो राजधानी को संभालेगा। चंदावल सेना के पिछले भाग को हरावल सेना के अगले भाग को कहते हैं। मोकल लखा अंसाबाई का बेटा था, चुंडा उसका संरक्षक था। अंसाबाई से नाराज होकर जब मालवा चला गया तो रणबल संरक्षक बना। मोकल ने एकलिंग मंदिर का परकोटा और समिधेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया जो कि भोज परमार द्वारा निर्मित त्रिभुवन नारायण मंदिर था। जिलवाड़ा नामक स्थान पर 1433 में गुजरात के अहमद शाह के आक्रमण को रोकने जाते समय चाचा मेरा और महपा पंवार ने उसकी हत्या कर दी थी। कुंभा के पिता का नाम मोकल, माता का नाम सौभाग्यवती परमार, रणमल उसका संरक्षक था। उसने रणमल की सहायता से चाचा मेरा को मार दिया था। फिर रणमल सिसोदियों के नेता राघवदेव को मार देता है। रणमल को मारने के लिए चुंडा को वापस बुलाया गया। बारमली की सहायता से रणमल मार दिया गया। जोधा भाग के बीकानेर के पास कहुनी गांव में शरण लेता है। कालांत और चुंडा राठौड़ों की राजधानी मंडोर पर कब्जा कर लेता है। अमल बावल की संधि द्वारा जोधा को मंडोर वापस मिलता है। 1453 के अंदर सोजत इनकी बाउंड्री बना दी जाती है। कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध में महमूद खिलजी को 1437 में हराकर चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था क्योंकि महमूद खिलजी ने मोकल के हत्यारों को शरण दी थी। उसने नागौर में शम्स खान को सहायता देकर मुजाहिद खान को हराया। शम्स खान के विद्रोह करने पर उसने शम्स खान और गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह को एक साथ हराया। चांपानेर की संधि 1456 में कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी मिलकर कुंभा को हराना चाहते हैं पर 1457 में बदनौर के युद्ध में हार गए थे। उसने सिरोही के सैसमल देवड़ा को हराया। वह राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक है। विजय स्तंभ के अन्य नाम कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज, मूर्तियों का अजायबघर, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश है। 9 मंजिल का है। 8वीं मंजिल में मूर्तियां नहीं है। 5वीं मंजिल में वास्तुकारों के नाम है, जैता पुंजा नापा पोमा। 3री मंजिल में 9 बार अरबी भाषा के अंदर अल्लाह लिखा हुआ है। 122 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा है। जम्स टोड ने उसकी तुलना कुतुब मीनार और फर्ग्यूसन ने उसकी तुलना रोम के टार्जन टावर के साथ की है। उसकी प्रशस्ति अत्री और महेश द्वारा लिखी गई, इसमें उसके विजय स्तंभ साहित्य और उपाधियां हैं। उसका पुनर्निर्माण स्वरूप सिंह ने करवाया था। वो राजस्थान की पहली बिल्डिंग है जिस पर डाक टिकट जारी किया गया था। वो राजस्थान की पुलिस और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का
प्रतीक चिन्ह है जैनों वाला कीर्ति स्तंभ 12वीं शताब्दी में 7 मंजिल का जिजासा बघेरवाल ने बनवाया जो कि आदिनाथ को समर्पित होने का आदिनाथ स्तंभ कहलाता है। कुंभा ने मेवाड़ के 84 में से 32 किले बनवाए। वीर विनोदेशा बताती है कुंभलगढ़ मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी और मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी है जिसका वास्तुकार मंडन और प्रशस्ति महेश ने लिखी थी। इसका ऊपरी भाग कटारगढ़ कहलाता है जो कुंभा का निजी आवास था जिसे मेवाड़ के आंख कहा जाता है। अचलगढ़ का पुनर्निर्माण करवाया था। बसंतगढ़ और मचान के किले भी सिरोही में बनाए गए जिनमें मचान मेरों पर नियंत्रण के लिए था। उदयपुर में बहुमठ का किला भीलों पर नियंत्रण के लिए था। चित्तौड़गढ़ कुंभलगढ़ और अचलगढ़ के अंदर कुंभ स्वामी का मंदिर बनवाया गया था। श्रृंगार चौरिया शांतिनाथ जैन मंदिर चित्तौड़ में वेल का भंडारी ने बनवाया। 1439 में रणकसा ने रणकपुर जैन मंदिर बनवाया जिनमें प्रमुख चौमुखा मंदिर है। आदिनाथ जी की मूर्ति है। 1444 स्तंभ है इसलिए इसे स्तंभों का अजायब घर कहा जाता है। कुंभा संगीतज्ञ था। सारंग व्यास उसके संगीत गुरु थे। वीणा बजाया करता था। सुधा प्रबंध कामराज रतिसार संगीत सुधा संगीत मीमांसा संगीत क्रम दीपिका और संगीत राज नाम की पुस्तकें लिखी। संगीत राज पाठे रत्नकोश गीत रत्नकोश नृत्य रत्नकोश वाद्य रत्नकोश और रस रत्नकोश के अंदर बंटी हुई है। उसने गीत गोविंद पर रसिक प्रिया टीका लिखी। संगीत रत्नाकर और चंडी शतक पर टीकाएं लिखी। उसने मुरारी संगति रस नंदिनी नंदिनी वृत्ति और अतुल्य चातुरी जैसे नाटक लिखे थे। कान्हा व्यास ने एकलिंग महात्म्य लिखा जिसका पहला भाग आपका राजवर्णन कहलाता है। कुंभा द्वारा लिखा गया था। मेहाजी ने तीर्थमाला लिखा। 120 तीर्थों का वर्णन है। मंडन ने वास्तुसार देवमूर्ति प्रकरण राजवल्लभ रूप मंडन कोदंड मंडन लिखे। नाथा ने वास्तु मंजरी लिखी। गोविंद की किताबें उद्धार धोरणी द्वार दीपिका कला ने दी और सार समुच्चय जो कला ने दी है वो शिखर निर्माण और सार समुच्चय आयुर्वेद के बारे में जानकारी देती है। इसके बाद हिरानंद मुनि कविराज की उपाधि थी। उसके गुरु थे तिल्ला भट्टे सोम सुंदर सूरी सोमदेव सूरी जयशेखर और भुवन कीर्ति थे। जैन विद्वान थे। जैनों का तीर्थ यात्रा कर उसने हटा दिया था। हिंदुओं का रक्षक हिंदू सुल्तान है। संगीत के कारण अभिनव भट्टाचार्य नव्य भट्ट और वीणा वादन प्रवीणन है। साहित्य के कारण राणा रासो है। पहाड़ी किलों के कारण आल गुरु है। धनुष चलाने के कारण चाप गुरु है। आदि गुरु और परम भागवत है क्योंकि वो आपके जो विष्णु भगवान का परम भक्त है। और कुंभा के हत्या उसके बेटे उद्दा ने कुंभलगढ़ के किले के अंदर कर दी थी। उद्दा को हरा के उसका भाई रैमल बनता है जिसने एकलिंग मंदिर का वर्तमान स्वरूप और चित्तौड़ में अधबज्जी का मंदिर बनवाया। उसकी बहन रमाबाई ने जावर के अंदर रमा स्वामी का मंदिर बनवाया। इसे वागीश्वरी की उपाधि थी। ये भी अपने पिता की तरह संगीतज्ञ थी। इसकी रानी श्रृंगार कंवर ने गोसुंडी में बावड़ी बनवाई। गोसुंडी वाला अभिलेख 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है जो वैष्णव धर्म की जानकारी देने वाला प्राचीनतम अभिलेख है। और इसके अनुसार गजवंश के राजा सर्वतात ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। पृथ्वीराज को उड़ना राजकुमार कहा जाता है। तारा के नाम पर उसकी रानी तारा के नाम पर अजमेर किले का नाम तारागढ़ है। उसकी खुद की छतरी कुंभलगढ़ के किले में 12 खंभों की है। उसका एक और भाई जमल सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। सांगा भाइयों से विवाद होने के बाद सेवंत्री में विदा जेतमालोद द्वारा बचाया जाता है। श्रीनगर में करमचंद पंवार के पास शरण लेता है। उसने खातौली और बाड़ी के युद्धों में इब्राहिम लोदी गागरौन के युद्ध में महमूद खिलजी सेकंड को मालवा के राजा को हराया था। इस समय गागरौन का किला चंदेरी के मैदानी राय के पास में था। हरिदास चरण ने महमूद खिलजी सेकंड को पकड़ा था। उसे 12 गांव गिफ्ट में दिए गए। इडर में भारमल रायमल की लड़ाई में उसने रायमल का साथ देते हुए गुजरात के राजा मुजफ्फर शाह और भारमल को एक साथ हरा दिया था। बयाना के युद्ध में 16 फरवरी को वह बाबर को हराता है। और इस युद्ध में बाबर ने यह किला मेहंदी ख्वाजा को दे रखा था और बाबर का सेनापति सुल्तान मिर्जा हुआ करता था। खानवा के युद्ध में 17 मार्च 1527 को वीर विनोद के अनुसार 16 मार्च को बाबर और सांगा आपस में लड़ते हैं। बाबर जिहाद की घोषणा करता है। तमगा कर हटाता है। शराब नहीं पीने की कस्में खाता है। सांगा राजस्थान के राजाओं को लेटर लिखता है। सिपाती परवन कहते हैं। अमेर का पृथ्वीराज मारवाड़ का मालदेव बीकानेर का कल्याणमल आपके इडर का भारमल जो सिरोही का अखेराज मेड़ता का वीरमदेव चंदेरी का मेदनी राय वागड़ का उदय सिंह बिजोलिया का अशोक परमार सुलुम्बर का रतन सिंह चुंडाव सादड़ी का झाला अज्जा मेवात का हसन खान मेवाती इब्राहिम लोदी का छोटा भाई महमूद लोदी ये सब भाग लेते हैं। इसके अंदर रायसिंह का सरहदी तंवर और नागौर के खानजादे मुस्लिम विश्वासघात करते हैं। सांगा घायल होता है। झाला अज्जा लीड करता है। बाबर जीतता है। गाजी की उपाधि धारण करता है। घायल सांगा का बसुआ में इलाज किया गया। वो चंदेरी जा रहा था लड़ने के लिए। इरीच में जहर दे दिया गया उसको। कालपी में उसकी मृत्यु हो जाती है। मांडलगढ़ में उसकी छतरी है। हम उसे हिंदू पत्र और सैनिकों का भग्नावशेष कहते हैं। बाबर के अनुसार उसके दरबार में 7 राजा 9 राव और 104 सरदार थे। उसका बड़ा बेटा भोजराज जिसकी शादी मीराबाई के साथ हुई थी उसका एक और बेटा रतन सिंह उसके मरने के बाद राजा बना जो कि बूंदी के सूरजमल के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। उसका एक और बेटा विक्रमादित्य राजा बना जिसकी सरंगशिका उसकी माता कर्मावती थी। 1533 में बहादुर शाह गुजरात का अटैक करता है। रणथंबोर का किला लेकर वापस जाता है। 3435 में पुनः अटैक करता है। कर्मावती हुमायूं से सहायता मांगती है। चित्तौड़ का दूसरा शाखा होता है। बाघ सिंह देवलिया केसरी को लीड करता है। कर्मावती जोहर को लीड करती है। बनवीर को प्रशासक बनाया जाता है। विक्रमादित्य को मार देता है। उपन्नाधाय उदय सिंह को बचा लेती है। चंदन का बलिदान देकर दोनों आसादेवपुरा के पास कुंभलगढ़ में शरण लेते हैं। मावली के युद्ध में हराकर बनवीर को हराकर उदय सिंह राजा बनता है। उदय सिंह 1569 में उदयपुर की स्थापना कर उदयसागर झील और
आपके मोती मगरी के महलों का निर्माण करवाता है। 67-68 में अकबर इधर अटैक कर देता है, उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों में जाता है, जयमल पत्ता के नेतृत्व में चित्तौड़ का तीसरा शाखा होता है, जयमल अकबर की संग्राम नाम की बंदूक से घायल होता है, कला राठौड़ के कंधों पर बैठकर लड़ता है। इसे कला राठौड़ को हम चार हाथ का देवता कहते हैं। फूल कंवर जो कि पत्ता की रानी थी उसके नेतृत्व में जौहर किया जाता है। अकबर यहाँ पर 30,000 लोगों को कटवा देता है, वो सिक्का एलची चलाता है यहाँ पर। उसने जयमल पत्ता की मूर्तियां लगवाई थी। बर्नियर अपनी पुस्तक द ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के अंदर इसका वर्णन करता है। बीकानेर के जूनागढ़ किले के अंदर इन लोगों की मूर्तियां लगी हुई है। गोगुंदा के अंदर होली के दिन उदय सिंह की मृत्यु हो गई, वहीं पर उनकी छत्री है जगमाल को राजा बना गए। महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह, माता का नाम जयवंताबाई सोनगरा। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में जन्म हुआ था उनका। किक्का बचपन का नाम था, पत्नी का नाम अजबदेव पमार था। गोगुंदा में कृष्णदास चुंडावत ने पहले राजतिलक किया, फिर कुंभलगढ़ में राजतिलक करवाया। अकबर ने जलाल खान कोरची, मानसिंह, भगवानदास और टोडरमल को समझाने के लिए भेजा। 18 जून 1576 को हल्दीघाटी के युद्ध में प्रताप अकबर को हरा देता है। इसमें अकबर के सेनापति मानसिंह और आसफ खान थे और प्रताप की तरफ से सेनापति उसके कृष्णदास चुंडावत, हकीम खान सूर और राणा पुंजा लड़ रहे थे और रामसा तोमर ग्वालियर से आए थे। मिहित्तर खान ने अकबर के आने की झूठी सूचनाएं फैलाई थी। चेतक के घायल होने के कारण प्रताप जब युद्ध भूमि से निकले, झलाजा ने नेतृत्व किया था। चेतक की छतरी बलीचा के अंदर बनी हुई है। हल्दीघाटी युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध, बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध, आपके जमस्टोड ने उसे मेवाड़ के थर्मोपोली, आदर्शीलाल श्रीवास्तव में बादशाह बाग का युद्ध का है। बदायूनी कहता है इसमें हमारे 5,000 उनके 3,000 थे। वीर विनोद कहती है इसमें हमारे 20,000 और उनके 80,000 लोगों ने भाग लिया था। इसके अंदर गजमुक्ता और मर्दाना, लूणा और रामप्रसाद जैसे हाथी थे, जिसमें रामप्रसाद का नाम बदलकर पीर प्रसाद कर दिया गया था। अकबर खुद अटैक करता है, उदयपुर का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद करता है। शाहबाज खान कुंभलगढ़ पर 3 अटैक करता है। रहीम जी की बेगमों को शेरपुर से अमर सिंह बंदी बनाता है, लेकिन वापस भेज दी जाती है। दिवेर के युद्ध में अमर सिंह सुल्तान खान को मार देता है। इसे मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है, 1582 में हुआ था। जगन्नाथ कछवाहा अंतिम आक्रमण करता है। प्रताप आमेर से मालपुरा छीन लेता है। उसने मालपुरा में नीलकंठ महादेव मंदिर और जालरा तालाब बनवाया था। उसने चामुंड में चामुंडा माता का मंदिर बनवाया था। यहीं से उसकी चित्रकला की शुरुआत होती है। उसके दरबारी विद्वान चक्रपाणि मिश्र ने आपके विश्व वल्लभ राज्याभिषेक और मुहूर्तमाला नामक पुस्तक लिखी। इसमें विश्व वल्लभ उद्यान विज्ञान की जानकारी देती है। और आपके उसके एक विद्वान हेमरत्न सूरी ने गोरा बादल की चौपाई लिखी। चावंड में 19 जनवरी 1597 में उसकी मृत्यु, वीर मांडोली में 8 खंभों की उसकी छत्री है। ये 7:25 है, हम महज 12 मिनट के अंदर रिवीजन कर सकते हैं। मुझे लगता है हमने कम से कम 6 क्लासें तो पढ़ ली होगी। इसका मतलब एक क्लास का रिवीजन 2 मिनट के अंदर हो सकता है। इसका मतलब स्टूडेंट पढ़ना चाहे तब तो कुछ भी कर ले, पर स्टूडेंट के अपने हिसाब से दिमाग ज्यादा लगाता है। तो दिमाग लगाता है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं पढ़ूंगा, ऐसे पढ़ूंगा, मैं नोट्स नहीं बनाऊंगा, केवल सुन लूंगा, मैं नोट्स अब वाली दुकान से नोट्स ले लूंगा, फिर उनके अंदर टिक लगा लूंगा, मेरे पास पुराने नोट्स पड़े हुए, मैं पिछले बेच के नोट्स लेके आ गया था, अब मैं केवल सुन लेता हूं, मैं अभी क्लास नहीं लूंगा, मैं शाम को लूंगा, मैं इसको 2x पे करके सुन लूंगा, राजस्थान के क्वेश्चन कम आएंगे इसको मैं छोड़ देता हूं, मैं पॉलिटी के ज्यादा आएंगे पॉलिटी को पढ़ लेता हूं। आदि छोड़ पूरी को धावे, आदि मिले न पूरी पावे। इसलिए जो जैसे चल रहा हो उसको पढ़ा जाए। आप अपना दिमाग जहां पर भी अप्लाई कर देते हो ना, वहां पर सब कबाड़ा कर देते हो। इसलिए अपना दिमाग यूज में मत लिया करें। सब चीजें करनी है, क्लास भी लेनी है, टेस्ट भी देने हैं। अपने आप को रोबोट बनाइए। आपको लगता होगा कि आपके साथ ये प्रॉब्लम आती है तो महामूर्खों की श्रेणी के अंदर आते हैं आप लोग। सब लोग इसी प्रकार तैयारी कर रहे हैं। मैंने उस दिन ही बताया था कि आप लोगों में से लोग सिलेक्ट होंगे, उस दिन बाल पकड़ पकड़ के नोचोगे खुद के, इसको भी इतना ही टाइम मिला था, इसके पास भी उतना ही ज्ञान था, पर ये रेगुलर पढ़ लिया था, हम केवल की करते हुए विमूड बने घूम रहे थे। मैं ये कर लूं क्या, मैं वो कर लूंगा। दो टेस्ट भी दो, घंटा भर लगता है टेस्ट देने के अंदर। उसमें अपने को मिनिमाइज कीजिए अपना जो टाइम लीकेज होता है उसको। 7-8 घंटे की क्लास होती है, 4-5 घंटे पढ़िए, घंटे 1.5 घंटे पुराने पेपर सोल्व कीजिए, टेस्ट दीजिए, 6 घंटे से ज्यादा सोइए मत, सब चीजें हो जाएगी। पर आपको पता नहीं ऐसा क्यों होता है। सही है तो क्या सवाल पूछना। पढ़ने वाले बच्चे के लिए कभी कोई सवाल नहीं होते, उसको जितनी चीजें दी जाए उनके अंदर से अपने बेस्ट देने का प्रयास करता है। जिनके दिमाग में ज्यादा सवाल उमड़ते घुमड़ते हैं, मुझे लगता नहीं इस तैयारी के अंदर वो लोग ढंग से कभी परफॉर्म कर पाते हैं। चलिए।